बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये क्वेश्चन जो है समर 2010 का पेपर 21 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये कह रहा है कि स्टेट व्हाट्स मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे। लिखेंगे इट्स द रीजन इन विच अ टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट पॉजिट अ टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट भी लिख देते हैं। टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव स्टेशनरी चार्ज, आजकल स्टेशनरी लिख रहे हैं, स्टेशनरी चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स। यानी ये वो रीजन है जिसमें पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो और स्टेशनरी हो, वो फोर्स उस पर लगे, तो वो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। अब ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एन अर्थ मेटल प्लेट एंड टू चार्ज मेटल स्फीयर्स इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 5.1। ये दो मेटल स्फीयर्स हैं और ये अर्थ प्लेट है। ये देखिए अर्थ का सिंबल लगा हुआ है, ये अर्थ प्लेट है और ये दो मेटल स्फीयर्स हैं, इसकी ये फील्ड है। अच्छा अब ये देखें, ये कहते हैं फील्ड दे रहा है ये। अच्छा ये फील्ड है, इसमें देखें कि अब ये कहता है फिगर 5.1 लेबल ईच इज पॉजिटिव और नेगेटिव टू शो द चार्जेस। अब देखें ये बेसिकली 0 वोल्ट है। अब ये हमेशा फील्ड लाइंस हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज लोअर पोटेंशियल की तरफ होती हैं, तो ये इधर से लोअर ये होगा तभी तो इधर जा रही हैं। यानी ये यकीन हायर वोल्टेज पे, यानी ये पॉजिटिव स्फीयर है, ये पॉजिटिव है और देखें इसमें से ये नेगेटिव हमेशा लोअर पे होता है, तो जीरो नेगेटिव का मतलब हायर पे है, तो ये इधर जा रही है, तो यकीनन ये नेगेटिव स्फीयर है। तो देखें इधर से ऐसे जा रही है और इसमें ऐसे जा रही है, इस तरीके से। उसके बाद देखें आप, ये कह रहा है कि ऑन फिगर 5.1 मार्क रीजन, रीजन कहा है इसने, देखें वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, लेबल दिस रीजन सी। हमें रीजन देखना है जहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट तब हो जब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्ट्रेट हो, इक्वल डिस्टेंट हो। ये इक्वल डिस्टेंट नहीं है, ये तकरीबन स्ट्रेट आ रही है, ये देखें ये स्ट्रेट आ रही है, ये इधर से ऑलमोस्ट स्ट्रेट हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है इधर तक, तो ये रीजन जो है ना, इसके आगे शायद वो स्ट्रेट ना बने, ये रीजन आप ऐसे कह दें, ये रीजन जो है और इसको मार्क करना है सी से। ये रीजन अगर शेड करना चाहें तो कर दें, ये इस तरह की रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म हो। किसे लेटर नहीं लिखा, पूरा रीजन को मार्क करना है तो इसी तरह करना पड़ेगा। रीजन तो या एरिया होता है या वॉल्यूम की रीजन होती है। अच्छा उसके बाद ये डिक्रीजिंग लेवल रीजन, डिक्रीज हो रही है। अब देखिए इधर तो फील्ड जो है बेसिकली इंक्रीज हो, इधर बहुत ज़्यादा है और आस्ते आस्ते ये बढ़ती जा रही है, तो डिक्रीज हो रही है। तो इधर साइड भी दे सकते हैं, इस साइड से भी दे सकते हैं, तो ये तकरीबन रीजन जो है, ये भी रीजन इसने कहा है कि रीजन, अगर आप मैं इधर से करूं, ये रीजन ये इस डिक्रीज, इधर भी डिक्रीज हो रही है, ये रीजन बेसिकली ये रीजन होगा, ये रीजन डी है जहाँ पे डिक्रीज कर रही है, क्योंकि फील्ड लाइंस देखें ऊपर जा रही है, इधर से कांस्टेंट शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस रखा है, तो ये डी है, ये सी है, ये जो रीजन है ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रही है। आप इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से ये देखें इधर से डिक्रीज हो रही है, ये रीजन डिक्रीज दिखा सकते हैं और इधर तो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा उसके बाद ये देखें, ये कह रहा है नेक्स्ट पार्ट, कह रहा है अब मॉलिक्यूल हैज इट्स सेंटर पी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड एट डिस्टेंस 2.8×10⁻¹⁰ मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर एन ऑफ अ नेगेटिव चार्ज एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 5.2। बेसिकल पी इसने लिया है फॉर पॉजिटिव चार्ज एन फॉर नेगेटिव चार्ज। एक ये मालिक्यूल है जो शेडेड है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, ये इसका नेगेटिव चार्ज ऐसा है, तो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस 2.8×10⁻¹⁰ मीटर का डिस्टेंस है और ये कहता है द मालिक्यूल सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड स्ट्रेंथ 5.0×10⁴ वोल्ट पर मीटर। ये फील्ड स्ट्रेंथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है ये है। अच्छा उसके दरमियान में है, यानी इसके ऊपर फोर्स दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर फोर्स कांस्टेंट लगेगा। अच्छा उसके बाद ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट पी एंड एन इज 1.6×10⁻¹⁹ कूलम।
यानी ये 1.6 इन 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब है, ये भी 1.6 इन 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब कहता है फिगर 5.2, ड्रॉ एन एरो एट पी एंड एन एरो एट एन टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, अगर मैं ये प्लेट्स ड्रॉ करूँ तो प्लेट्स मेरी इस तरीके से बनेगी। देखिए ये हायर वोल्टेज होगी प्लेट, हायर वोल्टेज, और ये लोअर वोल्टेज प्लेट होगी क्योंकि फील्ड ऐसे जा रही है। हायर वोल्टेज प्लेट का मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो अब देखिए ये पॉजिटिव प्लेट को ये पॉजिटिव रिपेल करेगा और नेगेटिव अटेंड करेगा, तो ये फोर्स लगेगा इस तरह, ये फोर्स, और इसके ऊपर यकीनन ऐसे फोर्स लगेगा, दोनों पैरेलल लगेंगे फोर्स, क्योंकि ये चार्ज सेम है, ये इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड है, तो ये जो है वो एक कपिल पैदा करेंगे, कपिल देखेंगे कपिल हो रहा है, नॉट एक्टिंग अ लाइन भी है, फोर्स सेम है, तो ये कपिल पैदा करेगा। अब हम टॉर्क या इसका मैग्नीट्यूड ऑफ कपिल मालूम कर सकते हैं। हम देखें ये कहता है कि कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय द फोर्स इन वन, टॉर्क हमें प्रोड्यूस मालूम करना है। अब टॉर्क बेसिकली होता है, देखें जो टॉर्क होता है वो हम कहते हैं ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ कपल। तो अब सबसे पहले तो मैं फोर्स मालूम करूंगा। अब देखें F इज इक्वल होता है क्यू ई, तो Q चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू ई इसने दिया है, ई कितना दिया है आप देख सकते हैं, ई इसने दिया हुआ है, ई दिया है 5.0 इन 10 पावर 4 वोल्ट पर मीटर, 5.0 इन 10 पावर 4 वोल्ट पर मीटर। तो ये मैं करूँगा 10 पावर माइनस 19 इंटू 5.4 इंटू 10 पावर 5.0, इधर भी दिया है 10 पावर 4 वोल्ट पर मीटर। अगर ये आप कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स आ जाएगा इसके ऊपर, फोर्स आता है 8 इंटू 10 पावर माइनस 15 न्यूटन। अब डिस्टेंस चाहिए, अब डिस्टेंस के लिए आप अगर ऊपर डायरेक्ट डायग्राम पे जाएं फिर से, तो डिस्टेंस हमारा ये बेसिकली ये निकलता है डिस्टेंस, ये देखें अगर ये पैरेलल इधर में लेके जाऊं तो डिस्टेंस ये निकलता है, ये वाला डिस्टेंस कैपिटल डी। अच्छा अगर ये एंगल 30 है, ये 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगी, देखें ये 30 डिग्री होगी, और इधर से इधर पी एन 2.8 पावर माइनस 10 है, तो ये जो डी आएगा अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन 30 आता है कैपिटल डी अपॉन 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 के, तो डी आपका, मैं अभी उधर डायरेक्ट चला जा रहा हूँ, देखिए डिस्टेंस, देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकाला, ये एंगल 30 दी गई है तो ये भी एंगल 30 होगी, अल्टरनेट एंगल्स हो जाती हैं, तो इस ट्राइंगल में ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर फोर्स का, डी कैपिटल डी से मैंने लिया, तो डी जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा बेसिकली, इसमें डी आ रहा है 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 इंटू साइन 30। मैं डायरेक्ट उसी में यूज़ करता हूँ टॉर्क में, डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ, ये इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो टॉर्क आ जाएगा, देखिए टॉर्क आ जाएगा, इधर ही कर रहा हूँ कोई मसला नहीं है, टॉर्क है 8 इंटू 10 पावर माइनस 15 का फोर्स इंटू ये जो डी आया, ये डी हमारा है बेसिकली 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 इंटू साइन 30। डायरेक्ट मैंने डी की वैल्यू ली है, तो अब ये कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन टू सिग्निफिकेंट फिगर में 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर आ रहा है, तो मैं इधर लिखूंगा 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर।